वर्ल्ड कप की जब शुरुआत हुई, मैनेजर साहब ने मेरा रूम पार्टनर बनाया सुनील गावस्कर। अभी मैं जबी रूम में आता था, हमारे साहब सो रहे थे। वो दिन में प्रैक्टिस करते थे, हम रात में प्रैक्टिस करते थे। तो रात में जबी हमारी टीम हुआ करती थी, यश, कीर्ति, बल्लू, रॉज, तो हमारी प्रैक्टिस रात में ज़्यादा चलती थी। तो नहीं, मैं सचमुच कह रहा हूँ, जैसे अभी चिका ने जो पूरी फेकम फेक की पहले, ये फेकम फेक नहीं है, लेकिन हमेशा पहले 3-4 दिन में ऐसे ही चल रहा था। और सुनील वहां से करता था, सैंडी मैं देख रहा हूँ नॉर्मल चलना। तो मैंने कहा कि ये आदमी रात को भी, इसकी आंखें खुली रहती है, तो इसलिए दिन में इतना अच्छा काम करते हैं। फिर मैं मानसिंह साहब के पास चला गया कि सर, आई हैव अ प्रॉब्लम इन माई काफ। तो सुनील ने कहा कि नहीं नहीं ये प्रॉब्लम काफ का नहीं है, वो ऐसे रूम में आता है इसलिए। एनीवे, द बेस्ट थिंग हैपेंड इन दैट 83 वर्ल्ड कप वॉज हमारे कप्तान साहब, जिनके सिर के ऊपर भूत चढ़ा था अंग्रेज का। बार बार अंग्रेजी ठोक देते थे और अभी भी ठोकते हैं। तो जब टीम मीटिंग हुआ करती, हमारी हुआ करती थी, और उस जमाने की टीम मीटिंग, और कपिल देव साहब टीम मीटिंग ले रहे हैं, आज तो समय बदल गया है, पूरी डिटेल बात होती है, विकेट के बारे में हो, हर खिलाड़ी के जो स्किल्स है उसके बारे में हो। कपिल शुरू करता था, सुनील यू हैव टू बैट, चिका यू हैव टू हिट, जिमी दिलीप आपको खड़े रहना है, यश आपको तगड़ा होके, यश तो पैदा ही तगड़ा हुआ था, सैंडी तू शेर बनना। तो मैं बोला कि मैंने शेर की भूमिका कभी अदा नहीं किया, अरे मैं शेर कैसे बनूं। कीर्ति तू स्ट्रांग। तो मेरा कीर्ति खाना पड़ेगा तेरे को, तो दुबला पतला लग रहा है। किरी कीपिंग करनी है। तो किरी बोलते, अरे मैं तो सिर्फ कीपिंग ही करता हूँ, दूसरा कोई कीपर ही नहीं। ऐसे में हमारी टीम मीटिंग खत्म हुआ करती थी। फिर कपिल बाहर जाने के बाद हमारे जो सीनियर्स थे, सुनील, जिमी पा, हम उनको कहते थे कि क्या कहना चाह रहा था। तो पूरा वो जो टीम मीटिंग का ये था, वो डिकोड हम करते थे कि कोई बात नहीं, ये ऐसा ही चलता रहेगा। एंड आई स्वेयर यू लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मैच से वेस्ट इंडीज फाइनल, पहला वेस्ट इंडीज और लास्ट आखिरी भी वेस्ट इंडीज, हमारे साहब, हमारे कप्तान साहब बोलते रहे, हम सुनते रहे और हम खेलते भी रहे, और हम खेलते रहे इसलिए ये कप मिल हासिल हुआ। थैंक्स टू माई ग्रेट कैप्टन एंड थैंक्स टू ऑल माई बडीज जिन्होंने ये साथ दिया हमारी, सही समय पे, सही मैच में सही योगदान। एंड आई फील वेरी हैप्पी दैट माई लिटिल कॉन्ट्रीब्यूशन, जिमी ने कहा, यश ने कहा अभी कि वो आस्ते खेले, और नाराज थे हम, नाराज नहीं थे जिमी, हम नर्वस थे, सचमुच हम नर्वस थे, क्योंकि इनके बाद बारी थी मेरी। लेकिन जो पेपर में आया था उस दिन, उस सुबह में जो पेपर, सारे जो अंग्रेज अखबार वाले थे, उन्होंने जो लिखा था कि फ्री वे टू इंग्लैंड फॉर द फाइनल्स, बहुत बात चुभी वो। एंड आई रिमेंबर सुनील, कपिल, जिमी ने वो बात हमें ब्रेकफास्ट टेबल पे याद दिलाई कि बच्चों देखो क्या लिखा है इन्होंने। और जब मेरी बारी आई जिमी आउट होने के बाद, तब मैंने बोला कि चाहे बॉब विली से हो, चाहे उसका बाप हो, मैं जाके तोड़ने वाला हूँ। थैंक यू।